वेलकम बैक फ्रेंड। तो पूरे देश में इस समय कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इसके साथ ही यहाँ पर लगातार कोरोना के जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहे हैं और हर दिन यहाँ पर संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रही है। इसको देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है। तो यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं कि देश के कई राज्यों में स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। इसके कारण 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है फैसला 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लगने का। वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी बातों को समझना ज़रूरी है। स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम खास खास अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आइए सबसे इस समय आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र से इस समय खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में उचित फैसला 14 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। वायरस की कड़ी तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कार्यबल की डिजिटल बैठक में लॉकडाउन लगाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद टोपे संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने कहा, आज की बैठक में लॉकडाउन की अवधि और इससे होने वाली आर्थिक गिरावट से कैसे निपटना है इस पर चर्चा हुई है। कार्यबल का यह मानना है कि राज्य में कोरोना वायरस के हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन की अब जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा है कि प्रदेश कार्यबल के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने अस्पताल की सारी सुविधाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। साथ ही यहाँ पर नियमों के उल्लंघन पर पाबंदियाँ और जुर्माना लगाने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, मुख्य सचिव यहाँ पर सब ने हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि 14 अप्रैल के बाद यहाँ पर लॉकडाउन लग सकता है। इसी तरह कई राज्यों से यहाँ पर खबर आ रही है, जैसे कि यूपी में यहाँ पर 23 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। अब वहाँ भी आगे देखना है कि क्या फैसला आता है लॉकडाउन को लेकर। इसके साथ बिहार में भी 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। पंजाब में भी यहाँ पर 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और भी कई राज्यों में पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो यहाँ पर आगे देखना है कि अब क्या होता है। जैसे ही कोई खास अपडेट आती है हम जरूर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। बने रहिए इस चैनल पर, मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।